धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कई तरह के व्रत रखती हैं। इन्हीं व्रतों में से एक वट सावित्री व्रत है। हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। सुहागन महिलाएं इस दिन अपनी सुहाग की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं वरगद के वृक्ष के चारों ओर घूमकर इस पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो पत्नी इस व्रत को सच्ची निष्ठा से रखती है, उसे न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती बल्कि उसके पति पर आई हुई सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। मेरी बातों से ही लग रहा होगा कि आज का मेरा वीडियो वट सावित्री व्रत पर है। इस वीडियो में मैं आपको इस व्रत से रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगी, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वट सावित्री व्रत का महत्व समझते हैं। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति धन लक्ष्मी का वास होता है। वट वृक्ष में तीनों देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस व्रत के शुभ प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत को सावित्री से जोड़ा गया है। वही सावित्री है जिनका पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ स्थान है। कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सतवान के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं, ताकि उसके पति को सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो सके। इस व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। सावित्री सतवान की प्रतिमाएं, बांस का पंखा, लाल कलावा या कच्चा सूत, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल, कुमकुम या रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, गुलगुले, चना भिगोया हुआ, बरगद का फल और कलश जल से भरा हुआ। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और घर में पवित्र जल का छिड़काव करें। व्रत का संकल्प लें, नहाने के बाद श्रृंगार करें। इस दिन पीला सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। इसके बाद बरगद के पेड़ में सावित्री सतवान की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। सावित्री और सतवान की मूर्ति की पूजा करें। वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद मांगें। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप भीगे हुए चनों का वायना निकालकर नगद रुपया रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सास वहां न हो तो बायना बनाकर उन तक पहुंचाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं दान में दें। इस व्रत में सावित्री सतवान की पुण्य कथा का श्रवण करना न भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। कई लोगों का प्रश्न होगा कि वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में बरगद का वृक्ष पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है और इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा शुभ मानी जाती है। आइए अब हम वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। स्करण पुराण में देवी सावित्री के पति सतवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा पति के प्राण वापस लाने की कथा का जिक्र वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस कथा को सुनना चाहिए। देवी पार्वती ने कहा, देवताओं के देवता जगत के पति भगवान शंकर, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो और जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो, वह मुझे आप बताइए।
तब भगवान शंकर ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था, जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अशुपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्व इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर उसने श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी की पूजा की और सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हो गई। कमंडलों को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों के बाद राजा अशुपति के घर देवी के समान रूप वाली कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश से उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। यह कन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होते हुए बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली यह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी इस कन्या को देखकर यही समझते थे कि कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली व तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाली वह सावित्री महर्षि भृगु के द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। उस समय पुत्री को देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह की। उसके बाद राजा ने सावित्री से कहा कि तुम्हें युगवर को देने का समय आ गया है। मुझमें कोई तुम्हें मांगने के लिए नहीं आता। मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय ना हूँ, वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के घर में रहती हुई विवाह से पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर को ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजार्थियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। यहां सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए जिस कार्य के लिए वन गई थी वह सारी बातें कहने लगी। सावित्री बोली, हे नारद जी, शाल देश में धर्मात्मा युमत्सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो देवयोग से नेत्रहीन हो गए। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रही है। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने मन से पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने क्या कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंति देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान, उदार चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और सुमत्सेन के समान बलवान है। लेकिन उसमें केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक एक वर्ष बाद क्षीण आयु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या निर्गुण, वर को एक ही बार वरण किया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र ही कर डालिए। राजा ने शुभ मुहूर्त निकाल कर विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है।
सावित्री सतवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रहती और उस दिन को गिनती रहती कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। जब सत्यवान के मरण के केवल 3 दिन शेष रह गए तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की शरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रख कर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीट पारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उसके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उसका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंकुष्ठमात शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त किए हुए यम मार्ग में नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और ग्लानी नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लो। सावित्री ने जब यमराज से अपना खोया हुआ राज, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्र का वरदान मांग लिया। अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने सावित्री देवी का व्रत किया। इसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई, इनका राज्य भी मिल गया और 100 पुत्र भी हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। तो जाते जाते मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि गौ माता की रक्षा करें, माता पिता की सेवा करें और स्त्रियों का सम्मान जरूर करें। धन्यवाद।